सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। सबसे पहले कठिन काम करना चाहिए, आसान काम अपने आप होते जाएंगे। आज का पंचांग 16 जनवरी 2021 दिन शनिवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि सुबह 7:46 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:55 से 11:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 16 जनवरी 2021 दिन शनिवार, आज अप्रत्याशित रूप से काफी खर्चे हो सकता है। आज कोई ऐसे चीज खरीद सकती हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको अच्छी लगती है, इससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित भी होगी। अपनी इस खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर जाएगा। आपको आज कुछ नई वित्तीय योजनाएं भी पता चलेगी। आपके लगन और हिम्मत द्वारा कोई अप्रत्याशित लाभ मिलने वाला है। कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधित कार्य रुका हुआ है तो आज उसका हल मिलने की उम्मीद है। आपके अपने काम के प्रति समर्पण भावना आपके लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगी। सेहत से संबंधित बातों में अधिक जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी। पुरानी बीमारी फिर से तकलीफ दे सकती है, इसलिए अपने खान पान में बड़ा बदलाव ना लाएं। चाहकर भी आप कुछ बातों को पक्ष में नहीं कर पाने की वजह से आपके ऊपर तनाव बढ़ सकता है। काम से संबंधित निर्णय लेते समय जानकार व्यक्ति से सलाह लें। विवाह से संबंधित निर्णय लेते समय आपके और परिवार के बीच वाद विवाद बढ़ सकते हैं। शरीर में इन्फेक्शन होने की आशंका है। सावधानियां, कोई पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आप अपने अंदर आत्मबल की कमी महसूस करेंगे। अपनी महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान स्वयं रखें। किसी अन्य पर विश्वास करना हानिकारक रहेगा। कोशिश करके अपने काम स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करके अपने काम पर ध्यान दें। आप में से जो अकेले हैं वे अपने संबंध की शुरुआत करने की योजना भी बना सकते हैं। जो पहले से ही किसी के साथ समर्पित संबंध में बंध चुके हैं वे अपने रिश्ते का खोया हुआ प्यार वापस पाने की कोशिश करेंगे। सभी चुनौतियों पर आपका साहस भारी पड़ेगा और आप किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको कुछ छुपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है। यह व्यक्ति आपके द्वारा मित्रतापूर्ण भाव से आपके साथ काम कर रहा है, पर जैसे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है यह व्यक्ति प्रतिकार कर सकता है। ये इसके विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं। अच्छा, आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप अपने सारे कार्यों का निष्पादन सही समय पर कर लें ताकि काम का कोई बोझ न रहे और आपको अपने मालिक की डांट ना सुननी पड़े। व्यवसाय में नए अनुबंध मिलेंगे। समय का भरपूर सदुपयोग करें। इस समय पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें।
परंतु ध्यान रखें कि कोई गोपनीय बात भी उजागर हो सकती है। पार्टनरशिप कार्यों के लिए भी समय अनुकूल है। बात करते हैं सेहत की। आज बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगी। आपको अन्य परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आपको उनमें से किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ सकती है। आपको यह समझना है कि आपकी शारीरिक सेहत काफी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। अरोमा थेरेपी या राहतकारी मसाज से आपको अच्छा लगेगा। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।